ध्यान से समझना, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में तीन टाइप के ऑपरेटर आते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है लॉजिकल एंड, ठीक है। सेकंड आता है लॉजिकल और, ठीक है। थर्ड आता है लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो तीन टाइप के ऑपरेटर यहां पे हम लोग के पास होते हैं, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब यहाँ पे इसको समझने के लिए टेबल समझना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो वो टेबल हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रुथ टेबल। कौन सा टेबल बोलते हैं? ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल एंड को समझेंगे, ठीक है। इसको समझना, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। सबसे पहले लॉजिकल एंड की बात करते हैं, ठीक है। अब लॉजिकल एंड में मान के चलो कोई भी कंडीशन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे चेक करने वाले हैं लॉजिक, क्या चेक करने वाले हैं? लॉजिक, ठीक है। अब मान के चलो दो कोई लॉजिक है हमारे पास, दो लॉजिक है, अगर हम लोग उसको दो कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। हर एक कंडीशन, जैसे मान के चलो ए इज ग्रेटर देन बी में लेता हूं, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन है ए इज लेस देन, सॉरी बी इज लेस देन सी, ठीक है। ये कोई भी दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब रिजल्ट में हम लोग को क्या मिलेगा? अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा? अगर दोनों कंडीशन में से दोनों अगर फॉल्स हो जाएंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है इस लॉजिकल एंड, लॉजिकल और में, ठीक है। समझ में आया? चलो अब यहां पे लॉजिकल एंड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, हम लोग के पास यहाँ दो कंडीशन है। कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। अब वो वैल्यूज कुछ भी हो, वैल्यूज पे हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड वन, इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेंड टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी और बी इज ग्रेटर देन लेस देन सी, कुछ इस टाइप का हम लोग कंडीशन ले रहे हैं। कोई भी कंडीशन हो सकता है, ठीक है। लॉजिकल एंड अब क्या बोलता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, ठीक है। तभी ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा? हम लोग का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा? फॉल्स में आएगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फर्स्ट कंडीशन को क्या कर देते हैं? ट्रू कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग इसको? ट्रू कर दिया, ठीक है। और सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम लोग? एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एज्यूम करो कि फर्स्ट कंडीशन क्या है? ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तब ओवरऑल रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पे लिखा है एंड, एंड का मतलब क्या होता है? और, जो हिंदी बोलते हैं ना, और, ठीक है। तो ये और ये दोनों अगर ट्रू होगा तभी रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा, ठीक है। अब इसको ऐसा समझो कि मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, दोनों प्लान बनाए कि दोनों सिविक सेंटर घूमने के लिए जाएंगे, ठीक है। अब मान के चलो पहले ने हाँ बोल दिया और दूसरे ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है, दोनों एग्री है, ठीक है, तो दोनों जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी एक मना कर देता है, या तो फर्स्ट वाला मना कर दे या सेकंड वाला मना कर दे, तो क्या होगा? नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब सेकंड में यहां पे हम लोग लेते हैं, फर्स्ट वाला मना कर दिया मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। सेकंड वाला अभी भी ट्रू है, ठीक है।
प्लान कैंसल मतलब फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला मान गया है, सेकंड वाला नहीं माना, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है, तो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। पहला वाला भी मना कर दिया, सेकंड वाला भी मना कर दिया, तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को फॉल्स कब मिल रहा है? फॉल्स कब मिला? कब मिला? हाँ, जब अगर कोई भी एक कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, तब हम लोग को क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको? लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से काम करता है जिसमें, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर, जिसमें दोनों अगर ट्रू रहेगा तभी ट्रू होगा, ठीक है। और ये हमेशा किसी कंडीशन को चेक करने के बाद ही अपना रिजल्ट बताएगा, ठीक है। क्योंकि कंडीशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में हम लोग को देखना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स हम लोग किसी कंडीशन पे ही ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग के पास बूलियन वैल्यू ही होगी। ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम लोग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बूलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूलियन, ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तो ये था लॉजिकल एंड, ठीक है। अब हम लोग सेम वैसे ही चलते हैं लॉजिकल और की तरफ, ठीक है। अब लॉजिकल और में सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। अब लॉजिकल और क्या बोलता है? कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास a is greater than b और b is less than c, ठीक है। दो ऑपरेंड है हमारे पास, फर्स्ट अगर ट्रू हो जाता है, ठीक है, सेकंड भी ट्रू होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा? ट्रू होगा, ठीक है। अब सेम एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं, दो फ्रेंड्स है, ठीक है, एक का नाम है a is less than b, सॉरी a is greater than b, और दूसरे का नाम क्या है? b is less than c, ठीक है। दो फ्रेंड्स है, दोनों ने प्लान बनाया सिविक सेंटर जाने का, ठीक है, और कहीं ऑप्शन नहीं है बिलाई में तो वहीं जाएंगे, ठीक है। अब पहले ने हाँ बोल दिया, सेकंड ने भी हाँ बोल दिया, ठीक है, तो दोनों एकदम खुश होकर एक बाइक में बैठे और चले गए, ठीक है। अब दूसरी बार, ठीक है, पहले ने हाँ बोला, सेकंड ने ना बोल दिया, मतलब पहला कंडीशन ट्रू है और सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया, तो क्या होगा? वो भी आदमी अकेले चल देगा, ठीक है, उसको किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट वाला जो है मना कर दिया, मतलब फॉल्स हो गया, सेकंड वाला जो है वो ट्रू हो गया, मतलब पहला वाला मना कर दिया तो भी सेकंड वाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वो चले गया था, अब मैं अकेले जाऊंगा बोले, ठीक है, तो क्या हो गया? वो चले गया, ठीक है, मतलब ट्रू मिल रहा है। दोनों अगर ट्रू रहेगा तो भी ट्रू मिलेगा, दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू होगा तो भी हम लोग को ट्रू मिलेगा। अब फॉल्स का मिलेगा जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं जा रहा है, ये भी नहीं जा रहा है, तो दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, कि जब दोनों ट्रू होगा तो भी ट्रू होगा, तो दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो भी हम लोग को ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। फॉल्स कब मिलेगा? जब दोनों फॉल्स हो जाएंगे तब, ठीक है। ये था लॉजिकल और, क्या था? लॉजिकल और, ठीक है। हिंदी में अगर इसको बोले तो या जो बोलते ना, या, ठीक है, या ये या वो ऐसा, ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है, क्लियर, समझ में आया। अब आता है लॉजिकल नॉट में, ठीक है, ठीक है, लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट क्या बोलता है? अगर कोई भी ऑपरेंड, यहां पे हम लोग सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, यहां पे मैं ओपी वन ले लेता हूं और यहां पे मैं इसका रिजल्ट ले लेता हूं, ठीक है, ओपी वन है और रिजल्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ऑपरेंड वन जो है वो ट्रू है,
है, जो भी कंडीशन हम लोग ले रहे हैं वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर वो ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है, मतलब उसको रिवर्स कर देता है, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया पक्का, अरे आया ना, आ गया, ठीक है, चलो इसको नोट करो अच्छे से कॉपी में सजा के। ठीक है, तो वापस हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस में आ गए हैं, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h इंक्लूड कॉन io.h, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ल्ड में उसका ब्रेसेस लगाए, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। गेटसेच हमने लिख लिया, फिर इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले मैं कोई भी दो वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है, क्या बनाता हूँ, दो वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, मैं सिंपल सिंपल सा वेरिएबल लेता हूँ ए और बी, ठीक है। उसके बाद दोनों में हम लोग वैल्यू लेंगे, कल मैंने बताया था कि कैसे वैल्यूज हम लोग रन टाइम पे लेते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सी एल आर एस सी आर ले लेता हूँ, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को, ठीक है, स्क्रीन क्लियर की है। अब उसके बाद हम लोग को ए में वैल्यू लेना है, तो क्या लिखेंगे आप बताओ, मुझे ए में इनपुट लेना है रन टाइम पे, क्या लेंगे, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे, मैसेज प्रिंट करेंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटर, ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर ए, ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा स्कैन एन। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि जब भी इनपुट ले हम लोग तो उसके पहले प्रिंटर से एक मैसेज को जरूर से डिस्प्ले करना, ठीक है, अगर डिस्प्ले नहीं करते हो तो क्या होगा, यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि वैल्यू कब देना है, ठीक है। डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि इंटीजर है तो हम लोग यहाँ पे देंगे परसेंट डी, फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे एम परसेंट ए, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रिंटर, और किसकी वैल्यू हमें एंटर करना है, स्लैश एन एंटर वैल्यू फॉर बी, ठीक है, फिर स्कैन एफ डबल कोट्स परसेंट डी, फिर कॉमा यहाँ पे दे दिए, उसके बाद एम परसेंट बी, ठीक है, दोनों वैल्यू हम लोग एक साथ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि अलग अलग लो, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी या फिर जो प्रोग्राम की क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। ए और बी में हमें वैल्यू मिल चुकी है, अब हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट प्रिंटर के अंदर ही कंडीशन दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर मैंने लिखा, डबल कोट लगाया, और यहां पे मैं लिखूंगा सबसे पहला स्लैश एन लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है, अब लॉजिकल एंड ऑपरेशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं, ठीक है, अब ट्रू है या फिर फॉल्स है बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, ट्रू बताएगा या फिर फॉल्स बताएगा। जैसे हम लोग अपने रिलेशन ऑपरेटर में यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की वैल्यू प्रिंट किए थे, सेम वैसे यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, ठीक है, ट्रू की वैल्यू होती है वन, फॉल्स की वैल्यू होती है जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया है परसेंट डी, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कोई एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी में हम लोग के पास वैल्यू है,
रन टाइम पे हम लोग एंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन देता हूँ, कैसे कंडीशन दूं मैं, सबसे पहले मैं ब्रैकेट लगाऊंगा a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब उसके बाद सेकंड कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, मैं लिखता हूं b इज लेस देन a, ठीक है, मैंने दो कंडीशन यहाँ पे दे दिया, ठीक है। दोनों के बीच में मैं लगा दूंगा लॉजिकल एंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लॉजिकल एंड रिप्रेजेंट करते हैं डबल एम परसेंट से, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल एम परसेंट, ठीक है। इसको हम लोग एंड नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एम परसेंट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने दो कंडीशन लगाया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी है, सेकेंड कंडीशन हमारे पास बी इज लेस देन ए है, ठीक है। दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि दोनों कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है। लॉजिकल एंड लगाए तो ट्रू कब मिलेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, जब ए इज ग्रेटर देन बी भी ट्रू होगा और बी इज लेस देन ए भी ट्रू होगा, तभी हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स जाएगा तो हम लोग को रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रिंट करते हैं डबल कोट्स स्लैश एंड लॉजिकल और ऑपरेशन, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे परसेंट डी, ठीक है, कॉमा दिए, और यहाँ पे सेम वैसे ही हम लोग कोई क्या दे देंगे, मैं देता हूँ ए इज लेस देन बी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन हम लोग दे देते हैं बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। दो कंडीशन ले लिया हम लोग और दोनों के बीच में लगाएंगे और, ठीक है, और कुछ इस प्रकार के दो डंडी हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ये जो दो पूर्ण विराम हम लोग लगा लिए हैं वो हम लोग को मिलेगा एंटर के जस्ट ऊपर, बैक स्लैश जो होता है ना, ये वाला जो बैक स्लैश लगाते हैं, ठीक है, उसको अगर शिफ्ट के साथ दबाओगे तो ये दो डंडी लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को ट्रू मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब आ जाते हैं नॉट, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट लिखा स्लैश एन, लिखते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेशन, ठीक है, और यहाँ पे ले लेंगे परसेंट, डबल कोट के बाहर चले गए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग एक कंडीशन लिखे, क्या लिखेंगे, मान लो मैं लिखता हूं बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, कोई भी कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेशन से, ठीक है, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसको किसी भी सिंगल कंडीशन के सामने लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास एक ही ऑपरेंड होगा और उसी के सामने लगा होगा, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या बोलता है कि अगर मान के चलो कंडीशन की वैल्यू ट्रू आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है, तो नॉट ट्रू, समझ में आया, क्या बोलेंगे, नॉट True. तो क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो नॉट फॉल्स इसका मतलब ट्रू हो गया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलो अब ट्रायल रन हम लोग करते हैं, ए की वैल्यू मान के चलो हम लोग ने लिया, ठीक है, ए की वैल्यू हम लोग ले लिए 10, ठीक है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू क्या है 20, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम लोग स्टेटमेंट का आता है लॉजिकल एंड ऑपरेशन, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, ठीक है, 10 इज ग्रेटर देन 20, क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, पक्का,
है, तो ये वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुका है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आते हैं, बी इज लेस देन ए, ठीक है, 20 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बी इज लेस देन ए, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, फॉल्स होगा पक्का, 20 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा, ठीक है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, ठीक है, तो वैल्यू यहां पे क्या है प्रिंट होगी, जीरो प्रिंट होगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, हमने 10 और 20 डाला था और लॉजिकल एंड ऑपरेशन में जीरो प्रिंट होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिकल और में, लॉजिकल और क्या बोलते हैं, अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है, तो ए इज लेस देन बी मतलब 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, कंडीशन ट्रू है, ठीक है, फिर सेकंड कंडीशन है बी इज लेस देन ए, ठीक है, मतलब सॉरी बी इज ग्रेटर देन ए, 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है कंडीशन, ठीक है, तो पहला वाला फॉल्स हो गया, नहीं सॉरी ये भी ट्रू हो गया और सेकंड भी ट्रू हो गया, ठीक है, क्लियर, तो रिजल्ट क्या आएगा, वन, ठीक है, मतलब ओवरऑल रिजल्ट हम लोग को मिल रहा है ट्रू। अब उसके बाद ये वाले थर्ड कंडीशन आते हैं, मतलब थर्ड वाले लॉजिक आते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेशन, ठीक है, नॉट क्या बोलता है, अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तो उसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा, ठीक है, तो बी इज ग्रेटर देन ए मतलब 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, तो क्या मिलेगा हम लोग को, जीरो, तो 0 1 0 हम लोग को रिजल्ट में मिलना चाहिए अगर हम लोग 10 और 20 डाल रहे थे, ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, ठीक है, लॉजिकल ओपी डॉट्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कंपाइल, ठीक है, और हम लोग करेंगे रन, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर ए मैं डालता हूं 10, ठीक है, एंटर वैल्यू फॉर बी हम लोग डाल देते हैं 20, ठीक है, तो क्या है 0 1 0 सही है, ठीक है, क्लियर, तो कभी भी हम लोग जब सी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, मतलब मैनुअली हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है, हम लोग इसको ड्राई रन बोलते हैं, ठीक है, पेन पेपर लेके हम लोग एक्चुअल वैल्यू वहां पे रख के देखेंगे और हम लोग पहले मैनुअली चेक करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि लिख लिया और रन कर लिया, जब तक एक्चुअल लॉजिक नहीं समझ में आएगा तब तक प्रोग्राम का आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग, अभी हम लोग को पहले से पता था कि आउटपुट क्या आने वाला है क्योंकि हमने उसको ट्राई रन करके देखा है ना, समझ में आया, ठीक है, तो पहले हम लोग ट्राई रन करके देखेंगे उसके बाद हम लोग कंप्यूटर पे रन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने देखा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, ये दो एंड जो लगा होता है एंड परसेंट उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और दो डंडी होती है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑर, और ये एक्सक्लेमेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल नॉट, ठीक,